गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये कामयाबी करीब 20 दिन के बाद मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस गिरफ्त में महिला समेत दो आरोपी, अभी भी मुख्य आरोपी फरार। कब होगी आशु जाट की गिरफ्तारी? 6 जनवरी 2020 परथला चौक ग्रेटर नोएडा करीब 10 बजे। मल्टीनेशनल कंपनी के रीजनल मैनेजर गौरव चंदेल गुरुग्राम अपने दफ्तर से नोएडा एक्सटेंशन अपने घर लौट रहे थे। घर से बस करीब 4 किलोमीटर दूर रास्ते में गौरव चंदेल ने पत्नी को फोन किया। फोन पर दूसरी तरफ बीवी ने साफ सुना, गाड़ी सड़क किनारे लगाओ। गौरव चंदेल ने पत्नी को खुद फोन पर कहा कि वो गाड़ी के पेपर चेक करवा रहे हैं। कायदे से अगले 10 से 15 मिनट में चंदेल को घर पर होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद फोन बंद और गौरव चंदेल गायब। जिसके बाद पूरा परिवार चंदेल को ढूंढने सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन चंदेल का कुछ अता पता नहीं लगा। अगली सुबह 7 जनवरी 2020 घर से करीब 3 किलोमीटर दूर हिंडन नदी किनारे गौरव चंदेल मिले, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। जिसके बाद लगती है सवालों की झड़ी। क्या चंदेल की मौत साजिश है, दुश्मनी या फिर लूटपाट? लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के पास कोई जवाब न था। गौरव चंदेल की मौत का रहस्य, चंदेल की मौत का सच है क्या? सभी के जहन में यही सवाल था। दरअसल गुत्थी तब उलझी जब पुलिस जांच में ये सामने आया कि चंदेल के मोबाइल पर आखिरी कॉल रात करीब 10:30 बजे पत्नी का आया, जब चंदेल की लोकेशन परथला चौक थी, जिसके कुछ घंटों बाद चंदेल का मोबाइल 3 अलग अलग लोकेशन बता रहा था। वो लोकेशन थी हैबतपुर, जलालपुर, सदुल्लापुर। लेकिन सवाल दूसरी लोकेशन हैबतपुर पर खड़ा हुआ, क्योंकि हैबतपुर चंदेल के घर के रूट पर पड़ता ही नहीं। फिर गौरव चंदेल उधर क्यों गए, या उन्हें जबरन ले जाया गया? शक की सुई इसलिए भी गहरी हो गई क्योंकि ये तीनों ही लोकेशन मेन रोड से हटकर कच्ची सड़क पर थे, और गौरव चंदेल के घर के रूट पर तो बिल्कुल नहीं। हिंडन नदी के किनारे मिली लाश, पेज तब और फंस जाता है जब 3 लोकेशन के बाद गौरव चंदेल की लाश हिंडन नदी पर मिलती है, जो इन तीनों लोकेशन से बिल्कुल अलग थी। और एक हफ्ते बाद चंदेल की कार जिस डासना मसूरी से मिली, वो लोकेशन भी अलग। जाहिर है गौरव चंदेल देर रात इन इलाकों में खुद नहीं भटक रहे थे, बल्कि तब तक चंदेल की कार पर किसी और का कंट्रोल था। पर किसका, ये सवाल अभी भी बरकरार था। चंदेल के सिर में लगी थी 2 गोली। कत्ल के साथ साथ सवाल कातिल की पहचान को लेकर भी था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गौरव चंदेल के सिर में 2 गोली बरामद होने की बात कर रही थी। यानी कातिल जो भी था, उसने सिर में 2 गोली इसलिए मारी ताकि गौरव चंदेल के बचने की कोई गुंजाइश ना बचे। ये काम लुटेरों के अलावा भी किसी और का हो सकता है। चंदेल की पत्नी के मुताबिक आखिरी बातचीत के दौरान गौरव चंदेल अपनी गाड़ी के कागजात दिखा रहे थे। अब कागजात पुलिस वाले ही चेक करते हैं, तो क्या चंदेल की आखिरी मुलाकात पुलिस वालों से हुई थी, या फिर पुलिस के भेष में लुटेरे थे? क्या ये लुटेरे किसी नए गैंग के थे, या फिर पुराने गैंग से ताल्लुक इनका था? चंदेल मर्डर केस में पुलिस की लापरवाही, गौरव चंदेल के केस में नोएडा पुलिस की लापरवाही भी दिखी। वो यूं कि सरहदों की लकीरें नापने के चक्कर में अगर नोएडा पुलिस शुरू के 2-4 घंटे ना गवाती, तो क्या पता उसे गौरव चंदेल की कत्ल की जांच ना करनी पड़ती। शायद गौरव चंदेल जिंदा होते। घर वालों को टालते रहे पुलिस वाले। गौरव चंदेल के रिश्तेदार उसे रात भर थानों और पुलिस चौकी में ढूंढते और पुलिस से फरियाद करते दिखे। बहुत दबाव बनने पर पुलिस ने गौरव चंदेल के फोन की लोकेशन ट्रेस की कोशिश की, जिसमें पुलिस को नोएडा एक्सटेंशन के ही रोजा, जलालपुर और हैबतपुर की लोकेशन मिली। जिसके बाद गौरव चंदेल के परिजनों ने पुलिस से इन जगहों पर चलकर गौरव चंदेल को तलाशने का दबाव बनाया। पुलिस बेमन से गई भी और कोई कामयाबी उसे नहीं मिली। यही नहीं, पुलिसकर्मी बार बार घर वालों को खुद भी गौरव चंदेल की तलाश करने की सलाह देते नजर आए। ऐसे में घर वालों ने परचला गोलचक्कर से गौड़सेटी तक एक बार फिर गौरव चंदेल को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि गौरव चंदेल इसी रूट से आया जाया करते थे और आखिरी बार इसी लोकेशन पर ही गौरव चंदेल से बात हुई थी।
सुबह के करीब 4:30 बजे गौरव चंदेल के रिश्तेदारों की गाड़ी परथला चौक से गौर चौक की तरफ सर्विस लेन पर चल रही थी, तभी उन्हें हिंडन किनारे जमीन पर पड़ा एक शख्स नजर आया। बेचैन घर वालों ने जमीन पर पड़े शख्स को टटोला और उसके करीब पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये गौरव चंदेल ही थे जो औंधे मुंह जमीन पर पड़े थे। उनके सिर से खून निकल रहा था, यहां तक कि सांसें भी थम चुकी थी। हालांकि अब पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए मामले की गुत्थी को थोड़ा सुलझा लिया है और गौरव चंदेल के हत्यारों को एक एक कर सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचा रही है, लेकिन गौरव चंदेल की शुरुआती जांच ने नोएडा पुलिस पर सवाल जरूर खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।